तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉसिबल 11 में। आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेकेंड ओडीआई मुकाबले के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, पहला ओडीआई मुकाबला भारत ने काफ़ी आसानी से जीत लिया। तो आइए एक बार दोनों टीमों की ओर नज़र डाल देते हैं। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ हर समय अवेलेबल रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के लिए ओपनिंग करने आएंगे रोहित शर्मा और शिखर धवन। नंबर 3 पर आपको विराट कोहली की जगह शुभमन गिल देखने मिलेंगे। हाँ दोस्तों, विराट कोहली को आने वाले दोनों ही ओडीआई मुकाबलों के लिए रेस्ट दे दिया गया है। नंबर 4 पर आपको अंबाती यादव देखने मिलेंगे। नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी और नंबर 6 पर केदार जाधव। नंबर 7 पे आपको शायद हार्दिक पांड्या देखने मिल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से बैन हट चुकी है और उनको न्यूजीलैंड भी भेज दिया गया, तो वो आपको जरूर खेलते दिख सकते हैं अगर वो पहुंच पाए तो। नंबर 8 पर कुलदीप यादव और नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार। नंबर 11 पर मोहम्मद शमी और माफ़ कीजिए नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल। और न्यूजीलैंड की टीम में कोई भी बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और ओपनिंग करने बिल्कुल मार्टिन अप्टुल और कॉली मनरो ही आएंगे। नंबर 3 पर केन विलियमसन, नंबर 4 पर रॉस टेलर और नंबर 5 पर टॉम लेथम, नंबर 6 पर हेनरी निकोल्स और नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर। और नंबर 8 पर आपको डॉग ब्रेजर के बदले इशोरी देखने मिल सकते हैं। और नंबर 9 पर टीम साउदी, नंबर 10 पर लोकी फर्गुसन और नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट। तो एक बार लेटेस्ट न्यूज़ की ओर भी नज़र डाल लें। जैसा कि मैंने आपको कहा, हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में वापस भेज दिया गया है। और न्यूज़ के अनुसार हार्दिक पांड्या शायद अगला मैच ना खेले तो इंडिया विजय शंकर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेगी। और अब आगे बढ़ते देखते हैं, इंडिया ने लास्ट मैच काफ़ी आसान जीता जैसा मैंने आपसे कहा था। कोहली आने वाले दोनों ही मैच मिस करेंगे। और आपने जैसे आपको पता होगा, हमारी कुलदीप और चहल की जोड़ी ने काफ़ी कमाल किया, दोनों ने ही मैच में 6 विकेट लिए। तो अब दोस्तों, आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, हमारे ऐप पॉसिबल 11 को ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों आइए बार हमारे ड्रीम 11 टीम की ओर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों हमारे कीपर होंगे टॉम लेथम, वो काफ़ी अच्छे लय में दिखे थे पिछले मैच में, पर एक ख़राब शॉट खेल के आउट हो गए, तो उनसे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। बल्लेबाजी में आपको देखने मिलेंगे रोहित शर्मा, मार्टिन अप्टिल, विराट कोहली तो खेलने से रहे और केन विलियमसन। आप रॉस टेलर या हेनरी निकोल दोनों में से किसी को चूज करते हैं, हमारे अनुसार आपको रॉस टेलर चूज़ करने चाहिए। ऑलराउंडर के लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो है केदार जाधव। बॉलिंग में एक बार नज़र डाल लेते हैं, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, टीम साउदी और मोहम्मद शमी, ये हमारे बॉलर्स होंगे। और आप चहल को भी अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक कैप्टन और इसके नज़र डालते हैं, कैप्टन आपके जी केन विलियमसन ही होंगे, उनकी फॉर्म पिछले में कमाल की थी और वो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। और वाइस कैप्टन हमारे रोहित शर्मा होंगे, वो बिल्कुल कुछ रनों के लिए जाएंगे, तो आप उन पर भी दाव लगा सकते हैं। हमें टीम का प्रीव्यू कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार है हमारी टीम। टॉम लेथम, रोहित शर्मा, मार्टिन अप्टिल, केन विलियमसन और रॉस टेलर। ऑलराउंडर मात्र एक ही हैं, वो है केदार जाधव। कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, टीम साउदी, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल हमारे बॉलर्स। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप कोई भी चेंजेस आते हैं इस न्यूज़ में तो आपको हमारे ऐप पे देखने मिल सकता है, तो ज़रूर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।